एवरीवन वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। यार कैसे है अपनी फैमिली? आज है डे टू की नाइट है आज। मतलब कल का व्लॉग जो आपने देखा था उसमें हमने प्रॉपरली राइड करी, बट आज जो हम करने वाले हैं वो मेरी लाइफ का और एसजे भाई की लाइफ का फर्स्ट कैंपिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। तो सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी। और यासिर भाई जो हैं वो काफ़ी सालों से कैंपिंग कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। प्रॉपर लाइटिंग, प्रॉपर हमने भाई ये लोकेशन सेट कर दिया है यहाँ पे। तो ये मैंने टेंट मंगवाया था डीकैथलॉन से, ये है 3% टेंट, इसका आज शुभारंभ होने वाला है। और ये देखो कितना कॉम्पैक्ट है, इसको ये अगर बड़ा करेंगे तो सेम ऐसा बन जाएगा। ये यासिर भाई का भी सेम ही कैंप है, सेम ही टेंट है, इन्होंने मेरे मुझे कॉपी किया है। तो कोई बात नहीं, इसको कोई बात नहीं, भाई है हमारे। एक बाइक लगी हुई है वहाँ पे, वो रही अपनी डोमिनार, वो रही अपनी अपाचे, वो रही अपनी रॉयल एनफील्ड, और ये रही अपनी केटीएम, जिससे कि प्रॉपर लाइटिंग यहाँ पे रखे। और ये भाई ये हमारा, ये जो है ना ये हमारा एरिया है, यहाँ कोई नहीं घुसेगा, हमारी इजाज़त के बिना यहाँ कोई नहीं घुसेगा। तो यार जैसे कि आप लोगों ने टाइम लैप्स में देखा कि हमने अपना कैंपिंग सेटअप पूरा बना लिया है, दोनों टेंट्स हमारे बढ़िया से लग चुके हैं। टेंट्स में आपको दिखाऊंगा बाद में, बट एक दो चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपनी लोकेशन दिखा देता हूँ, पहले भी दिखा चुका हूँ, पर ये हमने बाइक्स ऐसे लगा दी हैं तो प्रॉपरली यहाँ पे हमें लाइट का सेटअप मिल चुका है। और लाइट का सेटअप एक और है भाई, यासिर भाई हमारे सामने यहाँ पे कुकिंग कर रहे हैं, बट उससे पहले उन्होंने ये लाइट ले रखी है। तो ये लाइट देखो भाई, अकेली लाइट ही पूरा मतलब माहौल बना सकती है यहाँ पे। टेंट में आपको दिखाऊंगा बाद में, बट उससे पहले यासिर भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया। क्या कुकिंग हो रही है एक बार बता दो तो। अरे अच्छा, अरे क्या बात है, तेल वेल डाल चुका है भाई। ऑलमोस्ट ये डिसाइड हो चुका था कि हम लोग आज रूम में रुकेंगे, बट नहीं, यासिर भाई ने बहुत बोला कि नहीं भाई मेरे साथ चलोगे तो टेंट में ही रुकना पड़ेगा। ये है हमारा टेंट और ये 3% का टेंट है। यहाँ पे आगे हमारा सारा काइंड ऑफ लगेज, ये मैं घर से लाइट लेके आया हूँ जो कि सेल से चलती है, बाकी यहाँ पे बल्ब का भी जुगाड़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक बल्ब लगा हुआ है। ये डीकैथलॉन से टेंट लिया था भैया ने, जो कि बहुत ही बढ़िया है, पूरा वाटरप्रूफ है। और देख लो भाई अंदर से कुछ ये टेंट लग रहा है अपना ऐसा। तो यार मतलब बढ़िया, मज़ा आने वाला है आज। डिनर अपना प्रॉपरली तैयार है यहाँ पे, ऑमलेट। और भैया ये दिखाओगे? मैं ही दिखा देता हूँ। ये देखो यार एक बार, यहाँ बन चुका है अपना बढ़िया पुलाव, कैंपिंग पुलाव। तो भैया यार थैंक यू सो मच, मज़ा आ गया, खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है, तो पता नहीं हम लोग कैसे वेट करेंगे। खाना तैयार हो चुका है, ये प्लेटिंग लग चुकी है। तो ये है ऑमलेट, ये है अ काइंड ऑफ भुने हुए चावल या खिचड़ी मान सकते हैं इसको। इसके ऊपर थोड़ा सा मैगी मसाला डालना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा अनप्लान्ड है ट्रिप, मतलब ये कैंपिंग वैम्पिंग वाली, तो इसलिए हमने थोड़ी बहुत चीज़ें छोड़ दी थी, कर लिया भाई, मजा आ रहा है, इसको निपटाते हैं, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। मस्त खाना वाना खाने के बाद, खिचड़ी और ऑमलेट खाने के बाद गर्माई भी आ गई, पेट भी भर गया, सब कुछ हो गया। तो यार अगर मैं थोड़ा सा आपको कैम्प दिखाऊं तो कंजस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ है कि भाई भैया के पैनियस लगे हुए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सब कुछ बाहर है भैया का, और मेरे नहीं लगे हुए। आई होप सो कि नेक्स्ट ट्रिप पे भाई थोड़ा सा उधार दे दे, उधार क्या दे दे, मतलब गिफ्ट दे दे मेरे को पैनियस, तो मैं भी लगवा लूँगा। बाकी यार टेनिस मेरे ही ले लो। ओ भाई ऑफ द कैमरा, हाँ ऑफ द कैमरा भी ले लो, क्या बात है। चलो यार एक काम करते हैं, अब बस टाइम हो गया सोने का, तो यार गुड नाइट, कल सुबह मिलता हूँ आपको और एक बढ़िया सी नज़ारे कल ही दिखाऊंगा भाई आपको। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी टाइम हो रहा है 5:45 और शायद ये पहला दिन है जब हम इतनी जल्दी उठ गए हैं, और उठ के अब हम लोग तैयार हो जाएंगे। मतलब हमें अल्टीमेटम मिल चुका है कि भाई 7 बजे यहाँ से निकलना है। तो अभी आगे आगे तो पता नहीं क्या क्या होगा सर, आज थोड़ा सा प्लान का अगर आप आइटनरी बताएं, क्या क्या करने वाले हैं आज हम। अभी हम सबसे पहले यहाँ से जाएंगे तांडी पेट्रोल पंप, जहाँ पे हम पेट्रोल लेंगे क्योंकि उसके बाद सीधा ले में मिलेगा। फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे, फिर हमें मिलेगा 12 लाचा पास, ठीक है। फिर उसके बाद 12 लाचा पास पे बहुत ज्यादा ही ऑफ रोडिंग होगी, वॉटर क्रॉसिंग होगी। ओके, उसके बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे सरचू क्रॉस करेंगे, वहाँ पे लेह का एंट्री पॉइंट है, वहाँ पे हमारे सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे, और रैपिड जेन जो वहाँ पे होगा, हाँ वहाँ पे टेस्ट होगा हमारा, ठीक है। तो इनकेस अगर हम में अगर किस कोई भी एक बंदा अगर कोविड पॉजिटिव होता है तो उसको क्वारंटीन किया जाएगा वहीं पे 14 दिन के लिए, 5-6 दिन के लिए। पैसा कौन देगा उसका? हम देंगे, हम ही देंगे। हाँ। और नहीं लाए तो? नहीं लाए तो फिर कैसे, फिर तो देना ही पड़ेगा। ओ भाई ये तो नई खबर सुनाई है तुमने। ऐसे हमने ये कम्बल हटाया
उसके बाद यहाँ से हमने ये गेट अपना काइंड ऑफ गेट ही बोल लो इसको, ये गेट खोला और यहाँ से पहले एक बार नज़ारे देख लो भाई। ये MMM ट्रैवल ब्लॉक की बाइक, ये अपाचे, और अगर हम बाहर निकलें तो सामने के नज़ारे कुछ इस तरीके के हैं। तो यार रात को तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया था कि अपना टेंटिंग सेटअप कैसा है, क्या है, कैसा लग रहा है, तो रात का व्यू तो आपने देख ही लिया था, एक बार मैं आपको दिन का व्यू दिखा देता हूँ। तो एक बार देख लो यार, यहाँ पे लगे हुए हैं अपने दोनों टेंट, ये अपनी चारों बाइक्स खड़ी है यहाँ पर, और सामने के नज़ारे मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। बट यार एक चीज़, टू बी ऑनेस्ट, मतलब पहली बार भाई 5:30 बजे मैं ऐसे उठाऊँ और भाई 5:30 बजे इतना उजाला हो जाता है, पहले आज पहली बार देखा है, शायद पहाड़ों पर जल्दी हो जाता है, अपने घर के आसपास, घर पे भी भाई कहाँ ही 5:30 बजे हम लोग उठते हैं। सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग गाइस। बढ़िया बढ़िया, ऐसी आई बिल्कुल बेकार। क्यों? अरे अनकंफर्टेबल था थोड़ा। अच्छा, अब ये भाई -5 वाले बोल रहे हैं स्लीपिंग बैग, तो उसमें गर्मी तो लगेगी क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड नहीं है, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, बट कोई नहीं। सर गुड मॉर्निंग, अरे शेफ सर कैसे हैं? कैसे हो आप? तो भैया एक चीज़ बताओ, क्या बना रहे हो? पहले तो चाय बनाएंगे सुबह। तो आप उठ कितनी जल्दी उठ जाते हो? 4:30 उठ गया था आज, ऐसे 4:30 उठने का टाइम है मेरा सुबह। हाँ दिन, अच्छा 4:30 बजे दिन हो जाते हैं? हाँ हाँ, अंधेरे में तब अंधेरा ही होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, दो घर में। ओके तो भाई बढ़िया, अब यहाँ पे बन रही है चाय, और हम यहाँ पे अकेले नहीं थे, यहाँ पे एक और टेंट सेटअप यहाँ पे लगा रखे हैं, पंजाब से आए थे। बाइक्स की हालत दिखाऊँ तो एक बार आप देख लो कि अपनी बाइक्स कुछ ऐसी लग रही हैं, कितनी ऑफ रोडिंग करके हम आए हैं और अभी आगे हमें कितनी ऑफ रोडिंग करनी है। एक बार देखो भाई कितनी किलो मिट्टी यहाँ से निकलेगी, और ये सिर्फ मेरी बाइक पर नहीं है, ये सबकी बाइक पर ही है। यासिर भैया तो भाई मनाली में रुक गए थे, थोड़ा कपड़ा वपड़ा मार लिया उन्होंने। अगर मैं KTM की बात करूँ तो यहाँ पे KTM है, देख लो कितनी ज़्यादा इसमें मतलब मिट्टी भरी पड़ी है ये देखो, और सेम एज वेद अपाचे। कल के व्लॉग में भी मैंने आपको बताया था और दिखाया था कि एक चीज़ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो बहुत अच्छी रहती है, जैसे कि आप देख सकते हो ये पैनियस वैसे तो सुंदर भी बहुत लग रहे हैं, बाकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, और सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि वहाँ पे मैंने पूरा अपना वो जो भी तामझाम में लेके आता हूँ वो मैंने निकाला, उसके बाद टेंट के अंदर डाला, और यहाँ पे बाइक ऐसी खड़ी हुई है, तो ये बहुत एक बेनिफिट लग जाता है क्योंकि भाई ठंड में अपने सैडल बैग्स को अनमोन करना बहुत मुश्किल रहता है। तो ये देख लो ये सारा सामान ना अंदर, ये सब मेरा ही है, गंदा भी कर दिया और गंदा भी कर दिया। हाँ मतलब बैग्स देखो ना भाई, बैग्स की हालत अगर मैं दिखाऊँ तो ये देख लो, बाइक इतनी गंदी है तो बैग्स भी इतने गंदे। तो सर चले फिर, चाय बन रही है अदरक वाली, चाय पी लो। भाई अभी हुई नहीं है भाई जी। सब कुछ रैप अप हो चुका है, बाइक से हमारी तैयार, और कैंपिंग का जो एक्सपीरियंस था भाई बहुत अमेजिंग था, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, और अभी तो यार स्टार्टिंग है, आज पहला ही दिन था मतलब कैंपिंग का, तो इसलिए इतना कोई दिक्कत नहीं हुई। आगे ठंडा मौसम होगा, बर्फ़ होगी, पैंगोंग पे भाई कैंपिंग वैम्पिंग करेंगे, बहुत नेक्स्ट लेवल मज़े आने वाले हैं। तो एक काम करते हैं यार, वीडियो हो चुकी होगी बहुत लंबी, तो कैंपिंग की वीडियो एक अलग ही रखी थी। तो यार अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, बाकी अपनी बाइक्स देख लो यार, ये सारी बाइक्स यहाँ पे पूरी तैयार हो चुकी है। और एक और चीज़ यार, जो भी हमने कुछ गिराया था, जो भी खाना बनाया था, सारा हम लोग पैक करके डस्टबिन में डाल के आए हैं। चलो फिर चलते हैं, बाय बाय।